हाय बेबिका, कैसे हो आप? गुड, ग्रेट, वंडरफुल, टेल मी। वी आर मिसिंग इन मुंबई। आई मीन द पैब्स, स्पॉटेड, एयरपोर्ट, सब कुछ बहुत उदास सा लग रहा है। बेबिका नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, आपको थर्सडे को दिखाई दूंगी ना। मैं आती जाऊंगी ना, मैं थोड़ी ना पराई हो गई हूँ, दिल से हिंदुस्तानी हूँ मरते दम तक। तो बताइए कैसा चल रहा है, हाउस गोइंग इन दुबई, क्या क्या कर रहे हो आप? Well, my work is going and there's a lot. I'm attending events here and there's a lot going on. Talking terms में कुछ projects हैं and कुछ projects are happening and there's a lot happening. Too much, too together. That's me. Too much all together. But sorted है ना? Yeah, very much sorted. So ये दुबई का क्या प्लान है? कैसे जाना हुआ? और you know अचानक से या प्री सब फिक्स चीजें थी? नहीं, मैं शो में आने से पहले मुझे ये जॉब मिली थी। मुझे जॉब भी उसी वक्त मिली और शो का यू नो अपॉर्चुनिटी भी उसी वक्त मिला। तो उन्होंने कहा अभी आप ज्वाइन कर लो, नया नया जॉब मिला। मैंने कहा मैं अभी ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं पहले अपना शो कंप्लीट करूंगी फिर ज्वाइन करूंगी। फिर मैंने वही किया, अपना शो कंप्लीट किया, ज्वाइन किया। लेकिन मेरी जो अथॉरिटीज है, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, दे आर वेरी नाइस एंड दे लेट मी यू नो हैव अ सेंस ऑफ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, बट साथ ही साथ आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देम एज वेल। तो मैं अपनी जिम्मेदारियां इनकी तरफ भी पूरी करती हूँ। ऑफ कोर्स, एंड आई एम ऑलवेज ओपन फॉर इंडिया, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर माय वर्क आउट देयर इन एंटरटेनमेंट। सो इज इट लाइक 9 to 5, हाउ इट इज? यस, इट्स अ 9 to 5 करंटली। कभी स्प्लिट्स में शिफ्ट होती है, बट सुबह हॉस्पिटल जाके शाम को मैं जाके कोई इवेंट अटेंड कर रही हूँ या कोई शूट कर रही हूँ या फिर यू नो कुछ ना कुछ ऐसे है मेरा पूरा। तो रासल खेमा से दुबई मेरा आना जाना रहता है बिकॉज माई लाइफ कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड। सो टेल मी वन थिंग, बीइंग एक्ट्रेस और ये जॉब 9 to 5 बोला, आप मैनेज कैसे करें? इट्स नॉट इजी बिकॉज सी जो इवेंट्स होते हैं, सारी चीजें होती है, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है और जॉब तो फिक्स होती है। ऊपर से अगर आप डेंटिस्ट हैं, इट इज द बिग थिंग। सो कैसे हो रहा है सर? तो ऑल क्रेडिट गोज टू माय हॉस्पिटल अथॉरिटीज, उनका सपोर्ट, उनका प्यार, उनका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ बिलीफ इन मी। और इतना प्रिविलेज दे रहे हैं वो मुझे। और कभी कुछ शूट आए, कुछ आए, उसके लिए मैंने ऑफकोर्स थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मांगी है तो दे रहे। तो देखते हैं, अभी सब कुछ साथ में चलता रहेगा। मैंने अपनी तरफ से भी बेस्ट देना यार, हर दिन ड्यूटी जाती हूँ और अपना बेस्ट देती हूँ। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है, ये जॉब वाला या एक्टिंग वाला? देखिए, मुझे अच्छा लगता है। मैं ज्यादा दिन डेंटिस्ट्री करती हूँ और शूट पे नहीं रहती हूँ तो मुझे हैबत होती है। ज्यादा मैं शूट पे रह लूँ और मैं क्लिनिक में नहीं होती तो मुझे हैबत होती है। तो मेरा ऐसा ही है कि मुझे सब कुछ करना है। तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि तुम सब कुछ जिंदगी में नहीं कर सकती हो, तो क्यों नहीं कर सकते यार? हम लोग ये जेनजी और मिलेनियल के बीच वाले लोग हैं यार, हम लोग मल्टीटास्क करने के लिए ही पैदा हुए हैं। बिल्कुल, हार्ड वर्किंग पीपल वी आर। सो ये जो जॉब का एक पैशन आया, ये कब आया और कैसे आया? एंड यू नो क्या होता है कि अच्छी अच्छी पढ़ाई करके लोग जब एक्टिंग में आते हैं ना तो जॉब को भूल जाते हैं। वी हैव सीन दैट मेनी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हैव लाइक गुड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बट स्टिल दे आर, इफ दे आर इनटू एक्टिंग दे फोकस ऑन दैट। बट आपका ये जो विचार था कि जॉब करना है और इस तरह से करियर एक और रास्ता अपनाना है, ये कब आया आपके दिमाग में? देखिए, मेरा प्राइमरी काम हमेशा डेंटिस्ट्री रहा है। मैं पहले डॉक्टर बनी, बाद में मैंने एक्टिंग में एंट्री की है। तो मैं अपने पहले प्यार को क्यों भूलूं दूसरी बीवी आने पर? तो मैं नहीं भूलना। और मैंने अपनी जिंदगी के 8 साल डाले हैं मेरिटोरियसली, अच्छे ग्रेड्स लाके। मैंने 8 साल पढ़ाई की है, डॉक्टर की पढ़ाई। 5 साल मेरी ये रही है, BDS रहा है, फिर फेलोशिप्स रहे हैं। मैंने बहुत वक्त दिया है और मैं ऐसे उसे वाया नहीं कर सकती हूँ। और मैं एक्चुअली आई एम टर्निंग अ फेस ऑफ द यूथ। A lot of young people look up to me, so I want to set up as a very good example to them. मैं educational literacy को promote करना चाहती हूँ to the fullest. Even though I am an actor and I am making my place there as well, but education is very important and it should be there. और उसे आप कभी इतना चलो यार reels बना के पैसे कमाते हैं, YouTube पे पैसे कमाते हैं, ये mindset नहीं मैं promote करना चाहती हूँ। आप करो ये सब, दिल खोल के करो। Of course, these are modern day changing social media advantages. आप उसका पूरा फायदा उठाओ, लेकिन education को कभी पीछे नहीं छोड़ना है। तो ये चीज भी मैं put forward करना चाहती हूँ। बस बातों से नहीं, करके भी दिखाना है ना, इसीलिए मैं ये बैलेंस बनाए रखूंगी। बिल्कुल, इसलिए मैंने पूछा कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, कितना भी पढ़ाई किए हो लेकिन जब एक्टिंग में जाते हैं ना तो फिर वो छोड़ देते हैं बिकॉज पैसे भी आ रहे हैं। देखिए ना, बच्चे आजकल के और यूथ होते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं और वो भी वही करते हैं। वो स्कूल नहीं जाना चाहते, वो एजुकेट नहीं होना चाहते, वो क्या करना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर सोशल मीडिया। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, बनिए, मैं खुद यूट्यूब चैनल खोल चुकी हूँ, मैं डेली व्लॉग्स करती हूँ और मैं खुद सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, लेकिन अपने बेसिक एजुकेशन को पीछे मत छोड़िए, वो सबसे पहले प्रायोरिटी रखिए। तो बेबिका जब एक्टर नहीं थी, जो पहला प्यार था, तब की डॉक्टर और जब अब काफी फेमस हो चुकी हैं, लोग जानते हैं, ये वाली डॉक्टर, कितना अंतर हुआ है और ये पेशेंट कितना खुश होते हैं डॉक्टर को देखकर। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं दुबई मॉल घूमने जाती हूँ, हर दूसरे सेकंड मुझे कोई ना कोई पहचानता है, रोकता है, सेल्फी लेता है। मेरे हॉस्पिटल में सब हिल जाते हैं देख के कि यार ये बिग बॉस की एक्टर यहाँ क्या कर रही है, ये यहाँ क्या कर रही है। इट्स एन अनयूजुअल थिंग, माय लाइफ इज अनयूजुअल, ये हर कोई नहीं करता है। मैं अजीब सी चीज हूँ और मैं सब कुछ अजीब ही करती हूँ, तो हर कोई हैरान होता है। मैं हैरानजनक जीव हूँ, तो क्या ही कर सकती हूँ, बट अच्छा लगता है व्हेन आई एम अम्यूजिंग पीपल अराउंड, आई एम अ वॉकिंग अम्यूजमेंट। पेशेंट्स कितने हैं, कभी कभी डिमांड आती है हॉस्पिटल में कि मुझे बेबिका मैम, डॉक्टर बेबिका से ही ट्रीटमेंट लेनी है। इट्स वेरी नेचुरल है ना। या इट इज बट अभी उतनी मार्केटिंग मेरी यहाँ हुई नहीं है, क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ और ज्यादातर पेशेंट्स यहाँ अरेबिक होते हैं, तो वो हमें इतना नहीं जानते। लेकिन इंडियन, नेपाली, भूटानी और जितने भी जो बिग बॉस फैंस है या इंडियन सिनेमा फैंस है, वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जो अरेबिक पेशेंट्स होते हैं उनको अंदाजा नहीं होता, बट वेबसाइट्स पे देख लेते हैं। लेकिन इंडियन पेशेंट्स पागल हो जाते हैं, वो आना चाहते हैं किसी भी हाल में। हाँ, और बताइए लाइफ कैसी चल रही है? आई थिंक आपने थोड़ा वेट वगैरह भी कम कर दिया है, ऐसा मुझे देख के लग रहा है। आई डोंट नो, आप बेटर मुझे बता सकती है, कुछ हेल्थ वगैरह पे ज्यादा फोकस हो रहा है? नहीं यार, ये काफी कुछ एक साथ करना है, इस चक्कर में फंसी पड़ी हूँ। घर भी खुद का सेटल कर रही हूँ अकेले, सारे बैंक के काम, क्लिनिक का काम, फिर यहाँ वहाँ इवेंट्स से लेकर शूट, सब कुछ एक ही इंसान कर रही हूँ ना। यहाँ फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, ग्राउंड जीरो से लाइफ शुरू की है, तो स्ट्रेस में शायद घट जाऊं तो और अच्छा है, मैं तो खुश हो जाऊंगी। बट मुझे नहीं लगता मैं घट रही हूँ, इतनी आसानी से घटने वाली नहीं हूँ मैं। बट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं बेबिका, उनके बारे में कुछ बताइए जो हिडन है, अभी तक हमें नहीं पता, या फिर जो पता भी है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। Well, of course, I'm doing a Bollywood movie, and I think I'm the first Bigg Boss contestant who's been offered a Hindi Bollywood movie from a renowned production, and that is something very lucrative and big going on. And then Jio Cinema के लिए I'm doing a segment sooner, जिसके बारे में आप सबको पता चलेगा. And of course, मेरा song जो इंडिया में शूट होने वाला था, अब वो प्लान हो चुका है कि वो दुबई में शूट होगा, इसलिए थोड़ा डिले होता जा रहा है। तो वो सॉन्ग की क्वालिटी भी, ऑफ कोर्स प्रोडक्शन वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ एक्साइटिंग चीजें हैं, और कुछ चीजें पाइपलाइन में है, वो टॉकिंग टर्म्स में, जिसके बारे में कैसे बताऊं, जबकि हाथ नहीं आई तब तक क्या ही बताऊं। बट बॉलीवुड वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट। So it's actually, I can't reveal much, but I'm reading the script. It's been narrated to me, and it's falling in place. Sooner it will. I have no idea much about कि कब वो on floor जाएगा, but scripting हो चुकी है. They are pitching things around. So it's just a character which is sassy, strong, intelligent, and kick-ass, and she's very vulnerable and loving as well. Wow, तो प्यार भी पूरी शिद्दत से करेगी और काम भी अपना पूरी शिद्दत से करेगी, ऐसा कैरेक्टर। तो फिर बहुत बढ़िया है, गाना भी है, फिल्म भी है, और सेगमेंट्स भी जो आपने बताया वो है, देन डेंटिस्ट भी है, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्कर बेबिका है ना। धन्यवाद। टेल मी हाउ इज योर लाइफ आफ्टर बिग बॉस नाउ? आई मीन तब तो चलिए इधर उधर सारी बहुत हजार चीजों बातें होती है, नाउ इट्स सेटल्ड, एक दूसरा बिग बॉस आ गया, हाउ इज थिंग्स नाउ? इट्स वेरी नाइस, इट्स एक्साइटिंग, देखने को मिल रहा है, उस घर का हम हिस्सा रह चुके हैं यार, उस घर का एक एक कोना देखा है, वो स्पेस हमने जिया है, अपने दिल के करीब उस स्पेस का ऑरा लेकर गए हैं, तो वो देखकर काफी एक्साइटिंग लगता है। वहाँ नए लोग हैं तो उनको चीयर अप करने का भी मन करता है, उनको सपोर्ट करने का, और काफी एक सेंस ऑफ थ्रिल रहता है अंदर कि आगे क्या होने वाला है। एज एन ऑडियंस वी आर वाचिंग इट, एंजॉयिंग इट। फाइनली हम ऑडियंस बन गए। ये शो तो ठीक है, इसके बारे में तो हम अभी और बात करेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में कैसा है अब? सब बिग बॉस वाला जो न्यूज, गॉसिप, कंट्रोवर्सी सब शांत हो गई है, रिलैक्स माइंड हो चुका है, कैसा चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कंट्रोवर्सीज और हसल चल रहा था वो तो मैं दुबई आ गई इसलिए कम हो गया, वरना वहां रहती तो आप लोग धर पकड़ के कुछ ना कुछ बुलवाते। धर पकड़ के, हाँ, पकड़ो इसको, पकड़ो उसको, पकड़ो भी, इससे कुछ निकालो, उससे कुछ निकालो, तो इसलिए भाग गई मैं कि भाई अब ये कंट्रोवर्सीज का हिस्सा ही नहीं बनना। नहीं, बट अभी बहुत मस्त है यार, एकदम सुकून भरी एक प्यारी सी लाइफ है मेरी, और ये इसको काफी मैं सींचती हूँ, काफी दिल के करीब रखती हूँ, और ये ऐसे ही बढ़ती रहे, आगे जाती रहे, और सब अपनी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते रहे, देख देख कर मजा आता है यार। साथ में एक घर में रहे थे, साथ में अपने अपने सपने शेयर किए थे, वो सपने पूरे होते हुए देख के एक दूसरे पे प्राउड फील होता है, खुशी होती है। आप भी मास्क लगा के आ जाना मुंबई में, कोई कुछ नहीं पूछेगा, लाइक और फीस्ट। श्योर। अब बताइए, बिग बॉस 17 आ चुका है, 2 दिन हो गए, आपने देखा? आज दूसरा दिन है। नहीं, मैंने नहीं देखा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, मुझे अरेबिक चैनल्स आते हैं यहाँ पे, बट जो भी रील्स में या थोड़ा बहुत अपडेट न्यूज में ऑटोमेटिकली आ जाती है वो देख पाती हूँ। तो अब तक तो कुछ मुझे इतना मसालेदार दिखा नहीं है, तो बट मुझे नहीं लगता हमारा जो ब्लॉकबस्टर हमने दिया था उससे कोई कम्पीट कर पाएगा। आई एम नॉट जस्ट ग्लोटिंग बट आई एम स्टेटिंग अ फैक्ट। तो हम अलग थे भाई, तो आप अपना अलग करिए और उभर के आइए। इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, कपल वर्सेस सिंगर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। क्या इस पे आपकी क्या राय है? डिफरेंट कंसेप्ट है, देखने में काफी मजा आएगा, बट ये और डिफिकल्ट भी है। मैं होती वहां पे तो भाई मेरी एक से लड़ाई होती तो उसका हस्बैंड या बीवी भी लड़ने आ जाती, तो वैसे भी मेरे साथ तो 10 लोग आते थे लड़ने, में अकेली भिड़ती थी तो उसमें भी भिड़ जाती, तो क्या ही होता। तो इंटरेस्टिंग है, बट देखने में मजा आएगा ऑडियंस को। कुछ और चीजें मैं बताऊंगी। दिल दिमाग दम 3 रूम बने हुए हैं और तीनों की अगर अलग अलग स्पेशल चीजें हैं। सो ये जो मुझे लगता है ना, ये क्रिएटिव कंसेप्ट है ना, हमारे सीजन से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि हमारे सीजन में ये बातें बहुत होती थी कि लोग है ना जैसे खेलते थे ना, हम मुंह पे उनको सुनाते थे, खासकर मैं और पूजा मैम, कि तुम सब दिमाग का खेल खेलने की कोशिश करते हो, बट हम दिल से खेलते हैं, हम दिल से खेलते हैं। मुझसे पूछा जाता था तेरा गेम क्या है, तेरा गेम क्या है? मेरा कोई गेम ही नहीं है, मेरा जो दिल कह रहा है मैं वो कर रही हूँ, मैं दिल के रास्ते चल रही हूँ। और दमदार भी मैं बहुत थी। तो ये सारे कंसेप्ट है ना, मुझे लगता है ये क्रिएटिवली हमारे सीजन से ओरिजिनेट कर चुके हैं। तो बट बहुत ही इंटेग्रल है, और अच्छा रहेगा, क्योंकि खेलने के ये 3 क्राइटेरिया इनफैक्ट इनके लिए आसान पड़ गया, इनको समझ में आ गया कि क्या यूज करना है कहाँ खेलने के लिए। हमारे टाइम पे ये गाइडेंस नहीं थी, होती तो भाई हम कितना और बेहतर कर पाते। इस बार बिग बॉस ने बोला है कि मैं बायस्ड हूँ, खुद से मान लिया है। और दूसरा जो बड़ी चीज ये है कि टेलीफोन अलाउड है नहीं, मिसिंग पॉइंट है। तो ये बहुत बुरा कर रहे हैं, ये बहुत बुरा कर रहे हैं। हमारे टाइम पे क्यों हमें इतना नहीं, ना हमारे टाइम पे कोई बायस था, ना हमारे टाइम पे हमें ऐसे गाइडेंस ऑलरेडी दे दी कि दिमाग यूज करो या दम, इतना इन्फॉर्मेशन दे दी यार। अब अकल आ जाती है कि करना क्या है गेम में। तो आप बिग बॉस बहुत नाइंसाफी कर रहे हो, हमारे वक्त क्यों नहीं इतना किया आपने? मुझे शिकायत है बिग बॉस पे। वाइल्ड कार्ड में आएंगे या फिर गेस्ट अपीयरेंस में तो जाएंगे, इस बार वाले में ये सब यूज अगर बुलाया जाएगा तो जरूर जाऊंगी, जरूर जाना चाहूंगी और जरूर देखना चाहूंगी, काफी एक्साइटिंग फील होगा। बेस्ट फ्रेंड कौन है? आई थिंक पूजा का नाम मैं सबसे ज्यादा सुनती हूँ, हम लोग देखते भी है, बट अभी तक जो दोस्ती चलती आ रही है कौन है? देखिए, हमारा पूरा एक ग्रुप है जो सोशल मीडिया पे फेमस हुआ है, द एलीट ग्रुप। उस एलीट ग्रुप का हम 5 लोग हिस्सा है। उसमें पूजा मैम है, मैं हूँ, जैड हूँ, फलक है और अविनाश है। तो हम सब इंटेग्रल है और हम लोग मरते दम तक इंटेग्रल रहने वाले हैं। ये ऐसे रिश्ते हमारे जो दिल के बहुत करीब है और अटूट है। बेबिका, सोशल मीडिया को आप कैसे लेते हैं? ट्रोलिंग एंड ऑल, हाउ डू यू टेक? आई मीन, आप डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे आपके पास तरीके होंगे डील करने के लिए, आई एम श्योर, बट कैसे किस तरह से लेती हैं आप? स्पेशली ट्रोलिंग के अगर देखिए, मैं आप घर में भी देख चुके होंगे कि मेरे ऊपर अगर किसी तरह की हेट भी थ्रो की जाती थी तो मैं उसे कैसे हैंडल करती थी। मैं अगर पूरी तरह आउट देयर होके, आउटरेज होके लड़ती थी तो पूरी तरह शांत होके एकदम डिसमिस भी करती थी। तो मुझे दोनों चीजें आती है, समझ रहे आप? तो ट्रोलिंग एंड ऑल को मैं कम्प्लीटली इग्नोर करती हूँ, क्योंकि ये जो ट्रोलिंग आती है ये फेक आईडीज से आ रही है यार। इनका पर्पस ही नहीं है, उनके चेहरे नहीं है, उनका कोई आईडी ही नहीं है, तो ये किसी पर्पस के लिए बनाई गई है। दिस इज नॉट रियल। मुझे तब फर्क पड़ेगा जब वो ट्रोलिंग और नफरत रियल होगी, तब मुझे फर्क पड़ेगा। बट मैं देख रही हूँ इसमें रियलिटी ही नहीं है, रियलिटी तो कुछ और है और वो रियलिटी मैं जी रही हूँ और मैं अलग खुशनुमा माहौल में अपनी रियलिटी जी रही हूँ। तो मैं अनरियल चीजों को लेकर अपने माइंड पे अफेक्ट नहीं होने देती। ये मुंबई विजिट कब होता रहेगा? I mean, कुछ डिसीजन है कि मंथली एक बार मुंबई जाना है? जियो के सेगमेंट के लिए ऑफ कोर्स थर्सडे में आ रही हूँ, तो वो पहला अभी वापस दिस विल बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई विल बी डूइंग। एंड जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे ऑफ कोर्स आई विल बी विजिटिंग। मोस्टली माय शूटिंग ऑफ द मूवी विल बी इन मुंबई, तो आई विल बी देयर। आपने बिग बॉस कर लिया, मूवीज कर ली, गाने चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, और रियलिटी शोज के बारे में क्या ख्याल है आपका? डांसिंग है, खतरा है, बहुत सारी चीजें हैं। वेल, मैं यही कहूंगी कि जैसे जैसे जो मिलता जाएगा हम करना चाहेंगे। खतरों की खिलाड़ी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, झलक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और बिग बॉस ऑफ कोर्स द प्राइम शो व्हाई नॉट। तो ये कुछ शोज है जिसमें मुझे काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स लगते हैं कि जाना बहुत फायदेमंद और अच्छा रहेगा। ओके, अपने फैंस के लिए क्या मैसेज है जाते जाते, कुछ खास? अभी आप हीरोज दिखाई नहीं देती है यही कि आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए और अपने लिए सही आइडल चुनिए, सही इंसान चुनिए, क्योंकि जिसको आप चुनते हो आप उसी तरह बन जाते हो। तो इट्स ऑल्सो नेसेसरी कि हमारी यूथ सही लोगों को चुने। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे चुनिए, बट अगर आप चुनना चाहे तो इट्स ओके। तो यही फैंस को कहना चाहूंगी, आपका प्यार और सपोर्ट दीजिए। मैं ग्राउंड जीरो से आ रही हूँ और लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और अगर मेरी जीत होगी तो उसमें फैंस की जीत होगी, एक ऑर्डिनरी इंडियन की जीत होगी। दैट्स ऑल आई वांट टू से। और आपका जो आप जिस तरह से काम मैनेज कर लिए, स्पेशली मैं उसके बारे में मैसेज चाहूंगी अपने फैंस के लिए, किस तरह से आप इंस्पायर करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी नाइस। यही कि अपने एजुकेशन को कभी ओवरलुक मत कीजिए। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी लिटरेसी और एजुकेशन को रखिए, क्योंकि इस दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अक्लमंद इंसान, इन दोनों में फर्क होता है। ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ कि पढ़ाई लिखाई ही इंसान को इंटेलिजेंट नहीं बनाती है, लाइफ एक्सपीरियंस भी इंटेलिजेंट बनाती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से जो एडवांटेजेस होते हैं वो तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। तो प्लीज अपने एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सिर्फ इस थर्सडे को नहीं, मैं चाहूंगी कि आप हर महीने मुंबई आइए, इंडिया विजिट करिए। आप दुबई रहे तो ऐसा ही काम चलता रहे तो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय बाय।